बहुत सारे लोगों ऐसे लड़के पसंद आते हैं आपको जो ये करके गया है? बहुत सही ना, हाँ। ग्रीन फ्लैग्स ये बचपन से मेरा सपना था कि मैं कभी DU आऊँ। आज मैं पहुँच गया हूँ, पर बाहर तक ही पहुँचाऊँ, क्योंकि आज भी ये अंदर जाने को 90% मांग रहे हैं और उतने मेरे कभी आ नहीं सकते। यहाँ पे बहुत अलग अलग शहर से बच्चे आए हैं, कुछ अपना करियर बनाने, कुछ अपना बिगाड़ने। जो बिगाड़ने आए हैं वो अंदर बैठे हैं, जो बनाने आए हैं वो मिलेंगे बाहर टपरियों पर। आपका नाम वैसे? जानवी। मेरा नाम आर्यन है। मेरा नाम युवराज है। अर्षिता। हाय गाइस, आई एम अंशिका। आप कौन से कॉलेज से? श्री राम कॉलेज। आई एम डूइंग लॉ एट CLC। मिरांडा हाउस। आर्ट सिक्योरिटी से ही मास्टर्स कर रही हूँ संस्कृत में। मैं इस ब्रांड से हूँ, आपने नाम सुना है इससे पहले? स्पेशली फॉर गेमिंग वेमिंग के लिए अच्छा होता है। मेरा भाई इन्फिनिक्स का लैपटॉप भी यूज कर रहा है। आपने कभी नाम सुना है इसका? इन्फिनिक्स सुना है। सुना है आपने? अरे वाह यार, अच्छा अभी सुना है। आपको मैं बताना चाहूँगा, आप वो लड़के हो जिनके कारण हम सबको दूसरे बच्चों को घर पे गालियाँ पड़ती थी, उसको देख DU पढ़ रहा है। वो तो सबका है, JNU वालों के हमको ताने। मेरे सारे दोस्तों को बहुत गालियाँ पड़ती हैं और मैं खुद जाकर उनके घर पे बोलता हूँ कि आंटी देखो कुछ नहीं कर रहा है यार, ये कुछ तो करवाओ इससे। ऐसे सांप दोस्त ना पालें। बट मैं ये बोलना चाहूंगी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी हाइप कर रखी है। जहाँ भी है सही है, सबकी अपनी अपनी राह थी, उन्होंने वो ले ली। सही बात है, इतना बढ़िया आंसर दिया कि चुप हो जा तू। तो यार मुझे तो हमेशा फ़ोन से ही पास हो पाता था, मैं उसमें देख दुखा के आंसर। तो DU के बच्चों में भी यही है, सेम ही चल रहा है? अभी नहीं अलाउड है, मतलब ऐसा नहीं अलाउड तो कहीं पर भी नहीं होता है, वो तो जज्बा होता है कि DU जैसे इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सख्त होती है, नियम का सख्ती से पालन किया जाता, ऐसा कुछ होता नहीं। आप पिछले चार लड़कों ने हमें सच बताया था। मुझे एक और चीज़ जाननी थी कि आप एस DU के बच्चों हो सब लोग, आपके स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में क्या सिर्फ स्टडी मटेरियल ही है? उसके दोस्त है, वो भेज देते थे, लिंक भेज देते। वो कैलकुलेटर वाला ऐप आता था, उसके पीछे रखते थे जो लाइक पासवर्ड टाइप का। हाँ मेरे को पता भी नहीं है देखो। हाँ नहीं बहुत कुछ पता है, आप जितना पता होना चाहिए तो उतना ही पता है। मैं फोन में स्टडी मटेरियल जैसा कोई फोल्डर ही नहीं बनाता हूँ, सीधे डायरेक्ट। नहीं बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, एक फोल्डर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं ट्रिक क्वेश्चन है। मेरा सारा पड़ा हुआ है, मेरा फोन से सारा पढ़ लिया आपने? पड़ा हुआ है, सारा पड़ा हुआ है। अच्छा फोन में एक्चुअली नहीं स्टडी मटेरियल कर रहे फोन में। हां उसके टाइम में वो समझ ही नहीं है, नोट्स की बहुत एडिटिंग में आसानी होती है, तो अल्टीमेटली ये भी प्रोसेस में है। अच्छा पढ़ाई मतलब ओके, देखो मीम याद आ गया, समझा? नहीं तू नहीं समझा। आपको कब मिला था पहला फोन आपका? मुझे मिला था 11th 12th में। आपको वेट करवाया घर वालों ने, कैसे मनाया आपने? जब बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए तो पापा ने दिला दिया था। अच्छा तो मतलब ये था क्या हैक ज़्यादा परसेंटेज लाने का? मेरे घर वालों ने 6वीं 7वीं में दिलवा दिया था, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ आप लोगों के बीच बैठ के। यार हमारा एक फ़ोन लॉन्च किया है हमने, गेमिंग फ़ोन है, आपने तो देखा ही होगा। मैं इसका प्रमोशन देखा हूँ, 20 नोट सीरीज का है सर। नहीं, GT20 है ये। GT20 मैंने BGMI PUBG बहुत खेला है, तो उसमें मेरे प्रेफरेंस होती थी कि जो भी फ़ोन हो उसमें गेम ओपन होने का टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि जितना लो एंड फ़ोन होता है वो उतना ज़्यादा टाइम फिर लेता जाता है। जैसे अभी जो इसमें फर्स्ट स्क्रीन जैसे अभी जा रही है, जितने टाइम में हमने डाउनलोड किया, जितने टाइम पर ये आ गया है, इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट आई हैव एवर सीन। तो ये बढ़िया है, मैंने बड़े बड़े गेमर्स को इसका अनबॉक्स करके गेम वेम खेल के देखना चाहो इसमें तो आप देख सकते हो और रिव्यू बता सकते हो। नहीं ले के नहीं जा सकते भाई, हमारे लिए कैमरा इम्पोर्टेंट होता है। कैमरा देखिए आप कैसा लग रहा है आपको? यार कैमरा अच्छा है, क्लैरिटी। मैंने अपने पैसों से जो फर्स्ट स्मार्टफोन खरीदा था वो इन्फिनिक्स का था, Hot 10S, उसको मैंने 3 साल यूज़ किया। उसके बाद Hot 10S कर रहा था उससे, मतलब मैं काफ़ी खुश था। आज के टाइम पे भी फ़ोन बहुत अच्छा चल रहा है सच में।
आप अभी घर पे धराए हो ऐसे अपने पार्टनर से बात करते हुए? हाँ घर पे पता है, एक दिन फोन आ गया था तो उन्होंने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। थोड़ा वो गुस्सा भी हो कि पढ़ने गए, बाकी समझते हैं आजकल के थोड़े से पेरेंट्स। मैं हमेशा बच गई, पार्टनर ही नहीं है भाई। क्या बोला उन्होंने, क्या हुआ था? एक्चुअली रात में मैं बात करी थी, रूम लॉक था, वो ठंड का समय था तो पंखे वगैरह भी कुछ नहीं चल रहे थे, तो मेरी आवाज़ मेरी माँ ने सुन ली, बस उसी समय धावा बोल दिया। मैं देख रही थी विंडो में से कि मेरे घर वाले आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और सडनली मेरा भाई पीछे से आके मेरे को बोलता है हेलो किससे बात कर रही है, और मैं अपने कर रही थी बात किसी से। आज के वीडियो में एक सरप्राइज भी है, हम लोगों से पूछेंगे कि उन्होंने अपना फ़ोन किस तरीके से यूज़ कराया, किससे सबसे ज़्यादा बात करी है, जिसका आंसर या जिससे भी बात करने में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आएगी हम उन्हें ये गिफ्ट देंगे। ये है इन्फिनिक्स का XC26 ईयरफोन, इसमें है ENC और 28 आवर्स का प्ले टाइम, देखते हैं कौन जीतता है ये। एक और चीज़ पूछनी थी, आपका लॉन्गेस्ट कितना है वो टाइम फ़ोन पे किसी से आपने बात करी हो लॉन्ग? अरे नहीं यार वो सब नहीं गाइस। कज़न सिस्टर्स से बात किया, मेरी कज़न से, आई एम वेरी क्लोज टू माय कज़न, तो मतलब मैं बहुत टाइम तक कर सकती हूँ उनसे बात। तो ऐसी क्या बातें होती है जो कज़न से इतनी लंबी चल जाती है? क्या नहीं होती है मुझे ये बताइए आप। सिर्फ बॉयफ्रेंड के साथ किसी समय किया हुआ है तो वो तो रात रात भर चलता रहता है वो। दोस्त, केवल दोस्त। बड़ा पॉज लेके कहा है, पूरा सिंपल है, कॉल करेंगे दोस्त को, कहाँ है, घर हूँ, आ रहा है, आ जा। यार आप, आपके फ़ोन पे सबसे लंबा कितना बात करो? ये 2 घंटे 59 मिनट 22 सेकंड। सेकेंडों में याद है, वो कांड था जीवन का पहला, प्रेमिका नहीं थी मतलब एक दोस्त था, अब उनकी नहीं एक दोस्त था उसकी क्रश भी साथ में थी और वो बाईचान हमारी दोस्त थी, तो बैठे हुए थे तो थोड़ा खुरा बात मचा है, अब हमने कुछ कहते ना आग लगा दी बीच में, तो अब उसकी बद्दुआ लगी हुई है हमको कि आज तक हमारी नहीं बनी है। मैंने कितनी लंबी बात करी है सबसे? मैंने 2 घंटे 30 मिनट बात की थी। ओ बाप रे, क्या हो गया था? कुछ नहीं, टाइम पास था। भाई से बात करके हमें बहुत मजा आया। मेरी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, मजा आया इससे भी हो गया, पर मैं ज़्यादा मज़ा आया ना भैया, बता दो जरा। आप खोल के देखो आपको कैसा लग रहा है ये आपके लिए। तो अब कोई आपको मिले ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको 22 सेकंड तक बात करने की याद है तो बढ़िया, नहीं वो ऐसी गलती दोबारा 10 मिनट में ही काम हो जाएगा क्योंकि आवाज़ इतनी अच्छी आएगी। ये तो बात आपने सही बोली, बहुत सही बात है ना। तो आज हम आए थे नॉर्थ कैंपस DU और हमने जाना कि DU के बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरा हमेशा सपना था कि मैं DU आऊं, मैं आज आया और मुझे जान के पता चला कि मैंने ऐसा कुछ मिस नहीं किया है, तो कोई ऐसी टेंशन नहीं लेनी है, बढ़िया जगह है। पर कोई बात नहीं, अगले एपिसोड में हम जाएंगे किसी और टपरी पे और वहाँ के लोगों से बात करेंगे, मज़े करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई बात नहीं खरीदो यार इन्फिनिक्स का फ़ोन जिसके लिए हम इतना खर्चा कर रहे हैं, ऐसे पसीनों में मेहनत कर रहे हैं, तो खरीदो।